अरे कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। वाटर अफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी है, बहुत ही डिफरेंट सक्सेस स्टोरी है। किसी और का माइंड बदल दिया गया है वाटर अफर्मेशन से। यस, सुमेघ की सक्सेस स्टोरी है और इन्होंने ये सक्सेस स्टोरी भेजी है मुझे हरियाणा से। वाओ सुमेघ, थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो हम मैं ना जगह का नाम भी भेज देते हैं, तो इन्होंने लिखा था कि मैं हरियाणा से हूं और मेरा नाम सुमेघ है और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको अपनी जगह और अपने नाम दोनों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए सुमेघ, पढ़ते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, जब मैं 6 साल का था तब मैंने ये देखा कि मेरे मम्मी पापा दोनों अलग हो गए हैं। मेरे पापा का बिहेवियर मेरी मम्मी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत ज्यादा ही मारपीट करते थे और मेरी मम्मी को उस दिन उन्होंने इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। उनका सर बुरी तरीके से फट गया था, उनका ऑपरेशन हुआ, उनको स्टिचेस लगे और उसके बाद से ही वो दोनों अलग रहने लगे। मैं अपनी मम्मी के साथ में ही रहता था। मेरी एक छोटी सिस्टर भी थी और अभी भी है, लेकिन अब हम दोनों ही थोड़ा थोड़ा सा दूरी पर रह रहे हैं क्योंकि वो भी स्टडी के लिए बाहर गई हुई है और मैं भी स्टडी के लिए अपने फादर के पास में आया था। आपका वाटर अफर्मेशन वाला वीडियो देखा और क्योंकि सेपरेट तो मम्मी पापा थे, लेकिन फिर भी क्योंकि पढ़ाई का खर्चा और बहुत सारी चीजों की वजह से पापा से मिलना जुलना होता ही था। इस बार क्योंकि मुझे यहीं से अपनी स्टडी के लिए फॉर्म और सारी चीजें कलेक्ट करने के लिए आना था और कुछ पेपर वर्क भी था, इसलिए मुझे अपने पापा के पास में 2 महीने रुकने का मौका मिला। क्योंकि कुछ पेपर्स थे जो रेडी करवाने थे और वो यहीं से हो सकते थे क्योंकि हमारा वर्क प्लेस हरियाणा में ही है। मैंने सोचा इस समय का फायदा उठाता हूं। मैं रोज अपने पापा को वाटर अफर्म करके देने लगा कि मेरे पापा मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही इज्जत से उनसे बात करते हैं। उन्होंने हर अपनी एक चीज के लिए उनके सामने बोला भी है। बस मैं ये फील करता था और मैं अपने पापा को वो पानी पिला देता था और मैंने बॉटल भी भर के रखनी शुरू की। मैं सारे ही पानी को इस तरीके से अफर्म करके देने लगा क्योंकि मेरा सारा टाइम घर पर ही निकलता था और मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी होती थी। बाकी पेपर वर्क के लिए मुझे अपने पापा के साथ ही बाहर जाना होता था, तो मैं जब भी जाता था उनके लिए अफर्मेशन वाली बॉटल हमेशा साथ में रखता था। 1.5 महीना इस चीज को करते करते हुआ और इसका रिजल्ट एग्जैक्टली 1.5 महीने के बाद यानी कि 40 डेज के बाद ही मेरे सामने आ गया। मेरे पापा ने मुझसे कहा, जरा मम्मी को फोन लगाओ, मैं 2 मिनट उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उस दिन पहली बार मैंने अपने पापा को बहुत जोर से रोते हुए देखा और वो छत पर भाग गए। उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी से सॉरी बोला और कहा कि जो भी उन्होंने आज तक किया है और जिस भी तरीके का उनके साथ में बिहेव किया है वो उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि उनको मेरी मम्मी की हम दोनों पे की हुई परवरिश और मेहनत नजर आ रही थी। उनका यही कहना था और मैं समझ रहा था कि वाटर अफर्मेशन ने अपना काम दिखा दिया है और इमोशनली मेरे पापा को मेरी मम्मी की तरफ झुका दिया है। आज मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने ये चीज बता करके जो मेरे लाइफ में किया है वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। आज मेरे फादर बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं कि वो मेरी मदर के साथ रहें। मैं नहीं जानता कि मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ रहेंगी कि नहीं, लेकिन हाँ इसका डिसीजन मैं यही चाहूंगा कि मेरी मम्मी लें और उसके बाद में मैं जरूर आपको बताऊंगा कि क्या डिसीजन निकला, क्या हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा था ना, बहुत डिफरेंट और बहुत ही प्यारी वाली सक्सेस स्टोरी है। तो अब देख रहे हैं, जो इंसान बहुत ज्यादा रिजिड रहा, जिसने इतना तकलीफ पहुंचाई, फिजिकली इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, इतनी बुरी तरीके से अब्यूज किया, वो इंसान पूरी तरीके से बदल गया। क्योंकि बच्चा अपने स्वच्छ मन से, प्योर हार्ट से, नेगेटिव भावनाओं को निकाल के रिजल्ट्स देखने की चिंता किए बिना कि ये बंदा चेंज हो रहा है कि नहीं, मेरे पापा चेंज हुए कि नहीं, मैसेज किया कि नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो सब किए बिना कुछ नहीं, बस मैं 2 महीने यहाँ आया हूँ, मैं ये करके
देखता हूं मैं ये करके जाता हूं, और उसका रिजल्ट उनको वहां रहते रहते ही आ गया। तो ये तब होता है जब आप रिजल्ट्स की चिंता नहीं करते, जब आप उस चीज के ऊपर लगे नहीं रहते, जब आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। नहीं नहीं बस साफ मन से पूरे विश्वास के साथ में अपनी पूरी फीलिंग डालते हुए, और जब आप ये काम करते हैं तो अगर आप चाहें तो इस तरह से किसी को आप वाटर अफर्म करके, इस चीज का कोई गलत फायदा नहीं उठाना होता है, क्योंकि गलत फायदे से सिर्फ और सिर्फ आप ही का नुकसान होगा। वो इंसान अगर बदला भी तो वो आपके लिए बदल जाएगा। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, क्योंकि सच बता रही हूं आपको लगेगा कि आप कर रहे हैं और ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो आपके प्रति ही नेगेटिव होगा और आपको इसके रिजल्ट्स का बहुत बुरा वाला खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसको करें तो स्वच्छ मन से पूरी प्योर भावना के साथ, एकदम प्योर फीलिंग होनी चाहिए जैसे ईश्वर के प्रति होते हैं। कोई दुर्भावना नहीं, कोई गलत भावना नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि जो हमें कहीं ना कहीं ये बताए कि हम नेगेटिव हैं, या फिर हम किसी और को किसी और तरीके से हथियाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी फीलिंग फिर वही होगी और वो उसी फीलिंग के तहत ही आपकी लाइफ में बाहर निकल करके आएगी, और फिर जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लग सकता है। इसलिए प्लीज जब भी वाटर अफर्म करें और किसी और को दे, पूरी आपकी स्वच्छ भावना होनी चाहिए, स्वच्छ मन होना चाहिए, सेल्फलेस होकर के करना चाहिए। अगर आप किसी और के जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि उसका जो जीवन है वो सही हो जाए, हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, भावना अच्छी रखें, फीलिंग अच्छी रखें, फिर देखिए आपको कितने बेहतरीन और आपके ही फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। अपना अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।